बढ़ता हुआ वजन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। डाइट का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन क्या करें, जीभ इतनी चटोरी हो गई है कि बाहर के खाने के शौकीन हो ही गए हैं। परहेज एक दिन करते हैं, दूसरे दिन ओवर डाइट कर लेते हैं, पेट आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो संभल जाइए, अगर आपका वेट तेजी से बढ़ रहा है तो एक घातक रोग आपको हो सकता है। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ हो सकते हैं घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खा, जानते हैं इस खास वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब से। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं, वो है एक चुटकी लीजिए, एक गिलास पानी में डाल दीजिए या दो गिलास में डालें तो बहुत अच्छा है। एक चुटकी खाने का सोडा दो गिलास पानी में डालें। एक आता है नमक जैतून, ये असली नहीं, ये नकली बहुत मिलता है, एक चुटकी ये भी इसमें डाल दें पानी में। अब इस पानी से आधा चम्मच धनिए का पाउडर खा कर ये पानी पीना है, दिन में दो बार, खाने से पहले भी पी सकते हैं बाद में भी। ऐसा 3-4 किलो वज़न हर महीने कम होता है अगर आप डाइट में भी कंट्रोल करें। ऐसा नहीं कि हम 100 ग्राम वज़न आपका रोज़ घटा रहे हैं और आप 200 ग्राम रोज़ बढ़ा रहे हैं, तो डाइट ऐसी लीजिए, खाना कम खाइए अपनी खुराक से। 4 रोटी खुराक है तो 3 खा लीजिए, 2 खा लीजिए, और पैदल भी चलना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, नुस्खा भी लेना चाहिए। 100 ग्राम तो कम होता है, कुछ नहीं तो 50 ग्राम तो कम रोज़ाना होगा। जितना चाहे वज़न कम कर सकते हैं आप इस नुस्खे से। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, एक सवाल बहुत जरूरी है आपसे जानना कि जो हम दवाइयां खाते हैं क्या वो हमारे किडनी पे इफेक्ट करती हैं? यानी कि अगर हम कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं बहुत लंबे वक्त से, तो क्या उनमें कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जो डायरेक्ट हमारी किडनी पे अटैक करती हैं? देखिए, सबसे अच्छी और सबसे ख़राब दवा एलोपैथ है जी। अच्छी इसलिए है कि इस जैसी कोई दवाई नहीं है कि हम तड़प रहे हों, हमारा बच्चा, हमारी बीवी, हमारी माँ दर्द से कराह रहे हों जी, और एक गोली आप या एक इंजेक्शन लगा दें और फौरी आदमी ठीक हो जाता है एक घंटे के अंदर। तो ये अच्छी भी बहुत है जी और बुरी भी बहुत है। अच्छा, बुरी इसलिए हैं कि इनको हम बहुत दिन तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक पैरासीटामोल भी है तो आप अगर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे गूगल पे कि ये भी हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। ये सबसे कम नुकसानदेह दवा है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी हो गई कि वो एलोपैथ के बगैर जी नहीं सकते। ऐसे भी लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको हमेशा दवाई खानी ही है। ब्लड प्रेशर की दवा, ब्लड प्रेशर हो गया तो पूरी ज़िंदगी दवा खानी है, डायबिटीज़ हो गई तो पूरी ज़िंदगी दवा खानी है, और भी बहुत सारे रोग ऐसे हैं कि ज़िंदगी जीनी है तो दवा खाएं, वो दवा ज़रूरी भी है और नुकसान तो कुछ कोई भी दवा करती, केमिकल युक्त जो भी दवा है वो नुकसान करती है। अब क्या किया जाए? तो एक रास्ता है, वो मैं कभी किसी से नहीं कहता कि कोई दवा खाओ, मैं तो गिज़ा का इलाज और यूनानी इलाज, घरेलू इलाज बताता हूँ, लेकिन एक इलाज ऐसा है कि अगर कोई मजबूर है दवाइयाँ खाने पर और उसके बगैर जीना नामुमकिन है, तो अलसी को हल्का सा भूनकर, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भूनकर रखें और इसका पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, ये असली लें, नहीं तो इसमें भी नुकसान होने लगेगा। लोगों ने, जितनी भी दवाएं मैं बताता हूँ, सब नकली बना के और उस पर डाल दिए, क्या बोलते हैं, अमेज़ॉन पर। तो नमक जैतून एक चुटकी बस काफ़ी, अगर असली मिल जाए
पानी में मिलाएं और इस पानी से आधा चम्मच या एक चम्मच अलसी का पाउडर खा लिया करें। ये हमारे 8-10 फायदे करती है। देखिए, एक तो किडनी को नुकसान नहीं पहुंचने देती किसी भी दवा का, लीवर को नुकसान होता है, किडनी और लीवर ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, तो लीवर को तंदुरुस्त रखती है, किडनी को तंदुरुस्त रखती है, फिर इन्फेक्शन दूर करती है, चाहे पेट का हो चाहे पेशाब का हो, फिर एसिडिटी को कंट्रोल करती है, कब्ज़ को तोड़ती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी दवा है, हमारे स्किन के रोग के लिए बहुत अच्छी दवा है। अच्छा, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर और बहुत सारे रोग, यहाँ तक के जो आदमी की किडनी की गंदगी बढ़ जाती है जिसे क्रिएटिनिन कहते हैं, उस तक को अच्छा रखती है, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। तो ये नुस्खा याद रखें, लिख के रखें, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, कब हम ज़िंदगी भर दवाएं खाने पर मोहताज हो जाएं, मजबूर हो जाएं, ये नुस्खा हर घर में होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सवाल उन लोगों के लिए था जो दवाइयों के आदि हो चुके हैं, बिन दवाइयों के वो रह नहीं सकते हैं। लेकिन आप एक बात ज़रूर समझिए कि अगर आप वही दवाइयाँ लगातार खाएंगे जो आपको ठीक भी कर देती हैं, फिर से आपको बीमार कर देती हैं, फिर से आप ठीक हो जाते हैं, फिर से आप बीमार हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है जो आपके लिवर और किडनी पर इफ़ेक्ट डालता है। तो अगर आप उन दवाइयों के साथ साथ ये नुस्खे अपनाते हैं जो हकीम साहब ने अभी आपको बताए हैं, तो बचाव कहीं ना कहीं दर्द को आप अपने शरीर का कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, निसंकोच आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पानीपत से है नीलम जी, स्वागत है आपका। मेरे को ना घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है और मैंने ना गोंसिया भी खाया है सर का। हाँ, कितने दिन खाया आप? नीलम, एक आप... महीना खाया सर, मेरा बीच में रुक गया था सर किसी कारण। जब तो फिर उस महीने तो में घुटनों में ज्यादा दर्द है और फिर मैंने सर से बात की, मैंने गोंसिया दोबारा मंगाया, उनके साथ तीन चीजें और आई, उन्नाव और अलसी और सर एक और था शाम शायद। ठीक है, अच्छा तो अब मैंने फिर से शुरू किया है सर, मेरे को अब आराम है थोड़ा। और मैंने अपनी भतीजी के लिए एलोवेरा का सिरका मंगाया था, उनके फेस पे बहुत ज्यादा फुंसी थी, तो उनका उनके फेस में भी बहुत आराम है सर। ठीक, और कोई सवाल है? किसी को भी बता देती हूँ ना, वो मेरा नुस्खा ले लेते हैं, मैं आपसे टीवी पर देखती रहती हूँ हमेशा। और नीलम कोई सवाल हो तो बताइए, हम तो खुश हो गए आप इतनी सेवा कर रही है लोगों की। हाँ सर, मैं सबको बताती रहती हूँ, जैसे मैं मेरे को आराम थोड़ा थोड़ा पहुँचा है, मैं सबको बताती रहती हूँ, आप ये करो ये करो सर की, सर से बात करो, मेरा फोन नंबर ले लेती हूँ मैं उनसे जी, तो आपके डॉक्टर से बात होती रहती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलम हमें फीडबैक देने के लिए, और हमें ज़रूरत है नीलम आप जैसे लोगों की जो खुद फ़ायदा उठाएं और दूसरों की भी सेवा करें। हमारा प्रोग्राम ही सेवा का प्रोग्राम है, और जो कुछ नुस्खे मैं बताता हूँ नीलम लिख लिया करिए, और कभी भी किसी नुस्खे की ज़रूरत पड़ जाती है, और हमारे YouTube पर तकरीबन 1200 नुस्खे हैं और हम रोज़ाना 2-4 नुस्खे डालते हैं। हमारी और आपकी बातचीत भी हम YouTube पर डाल देते हैं, हकीम सुलेमान खान के नाम से YouTube चैनल है, और उसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत नुस्खे, आप कभी भी कोई भी नुस्खा ले सकते हैं, पता नहीं कब हमें ज़रूरत पड़ जाए, बात हो ना हो, मुलाकात हो ना हो, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फ़ायदा उठाते रहिए। ये सारे नुस्खे भगवान के हुक्म से काम करते हैं, अगर मेरी और आपकी नीयत ठीक है तो आप फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। अगले कॉलर हैं यूपी से उपेंद्र मिश्रा जी, स्वागत है आपका। सर मुझे 2 साल पहले पैराराइट की शिकायत हुई थी, और फिर मैंने दवा किया ठीक हो गए, तो मैंने आपका सिरका जूस बनवाया है, लहसुन का जूस और अदरक का और नींबू का, उसको मैं पी रहा हूँ। और मुझे पैरों में शिकायत थी तो मैंने गोंसिया मंगवाया, उसको खाया तो मेरे पैर ठीक हो गए, तो मैं और भी लोगों को दे रहा हूँ कि हाँ जिसका बचा है तो हम दे दिया है, 10-5 लोगों को जिनको दर्द है।
और सर एक टैग ये है, मैं कुछ नुक्ता लिख रहा था, आपके सब नुक्ते लिखता हूँ तो लिख रहा था, उसमें कुछ नुक्ता लिखा तो उसका मर्ज नहीं जान पाया वो किस मर्ज की है वो, हाँ तो उसको सर बता दीजिए। क्या दूसरी चीज, मैंने आपका टीवी देखा, आपका प्रोग्राम नुक्ता नोट कर रहा था, तो मेरे लड़के की कोई दवा नहीं, उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, तो आपने डिप्रेशन की दवा बताई थी तो मैंने लिख ली है, हाँ तो सर ये बताइए क्या करेंगे। ठीक है, हाँ डिप्रेशन की दवा अगर लिखवाई है तो वो उनकी शुरू करिए और थोड़ा संयम रखें तो बच्चा ठीक होना मुमकिन है। और आपने तो कितने लोगों को अच्छा कर दिया, और ये जो जैतून का सिरका और अदरक लहसुन और नींबू का जूस है, ये दुनिया का अच्छा नुस्खा है, अगर असली मिल जाए तो ज़रूर फ़ायदा करता है। जिसको भी देखिए फालिज होता है उसको बार बार होता है, याद रखें, और 3 फालिज के अटैक कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए आप इसे खूब लिया करें, ज़रूर लिया करें, हर साल लिया करें, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। और जोड़ों का दर्द भी आपकी गौंसिया से चला गया, बहुत मुबारकबाद आपको। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोगों की सेवा भी करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, और हम यही चाहते हैं कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ, और कोई भी इंसान जो आपके रिश्तेदारी में है, पड़ोस में है, मोहल्ले में है, वो रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सके, तो ऐसी कोशिश करिए कि सब लोग रोग मुक्त हो जाएं, हर घर तक ये नुस्खा पहुंच जाए, तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। जी, अजमेर से हैं सुमन सक्सेना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब। सुमन जी स्वागत है आपका, जय हिंद। मेरे को ना मेरा पेट साफ नहीं रहता, गैस बहुत बनती है, और एक है ना मेरे पूरे शरीर में थी खुजली मस्ती के काले काले निशान बन गए, और एक मेरे ना जीभ में ना कट के निशान हो रहे हैं काफी। ठीक है, देखिए एक नुस्खा बता रहा हूँ, और ये आपके तीनों रोग में काफी होना चाहिए। नुस्खा एक है लेकिन ये तीनों बीमारियों पर काम करता है, और भी बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है, लेकिन जो 3 रोग आपने बताए उन पर तो ख़ास। देखिए सौंफ, आपके किचन में ये सारी चीज़ें रहती हैं, सौंफ और सौंठ लिख लीजिए, आप मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ, सौंफ और सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी, ये 7 चीज़ें हैं। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी, ये सब 100-100 ग्राम लेकर इसका पाउडर बना लीजिए, इसका चूर्ण बना लीजिए। अब ये बना के रख लें, और एक आता है नमक जैतून, अच्छा ये असली लेना है, नकली भी मिलता है बहुत, नमक जैतून या जैतून का नमक भी कहते हैं, एक ऐसा नमक जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, और ये एक चुटकी लें, ये भी 100 ग्राम अलग ख़रीद कर रख लें, एक चुटकी लें और पानी में मिला दें, 1 गिलास पानी में, और इस पानी से, नमक जैतून के पानी से, आपको ये 7 चीज़ों का पाउडर खाना है सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, आपकी तमाम जुमला शिकायतें अच्छी होना मुमकिन है।